नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आने के बावजूद बहुत सारे कामकाज अभी ठप पड़ चुके हैं और मार्केट में लिक्विडिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लेकिन यदि लॉकडाउन में आप अपना कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं या फिर आपका काम बंद हो चुका है, आप उसको रिस्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपके काम को या बिजनेस को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मुद्रा यानी MSME लोन को अवेल कर सकते हैं। लगभग 10 लाख रुपए तक का जो अमाउंट है मुद्रा लोन के तहत आपको प्रोवाइड किया जा सकता है और जिसका इंटरेस्ट रेट लगभग 12% रहेगा और इसको आप 5 साल के लिए ले सकते हैं। साथ में इसमें एक एडिशनल बेनिफिट अभी लॉकडाउन के दौरान डाल दिया गया है कि 12 महीने के लिए आपको कोई EMI भी पे नहीं करनी। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरे लोन के बारे में बताऊंगा कि जो मुद्रा लोन के तहत आप कौन कौन से लोन ले सकते हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होंगे और आपको लोन कहां पर अप्लाई करने हैं। और दोस्तों, अगर आप घर बैठे फ्री में डीमैट या म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 5 मिनट के अंदर करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। मुद्रा लोन यानी MSME लोन के तहत आप 3 तरह के लोन ले सकते हैं। सबसे पहले किशोर मुद्रा लोन, यानी आप अपना कोई शुरू में अभी शुरुआत में बिजनेस को एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हो, आप इनिशियली अपने बिजनेस को ओपन कर रहे हो, तो इसके लिए आपको लगभग 50,000 रुपए का अमाउंट मुद्रा लोन से आप ले सकते हैं। यदि आपका कोई ऑलरेडी बिजनेस है और वो बंद पड़ चुका है, आप उसको दोबारा रिस्टार्ट करते हैं, तो किशोर मुद्रा लोन के तहत आप 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यदि ऑलरेडी आपका कोई बिजनेस है और आप उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो तरुण मुद्रा लोन के तहत आप 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस लोन का जो टाइम है 5 साल के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा और लॉकडाउन के दौरान आपको बैंक की EMI भी पेड करने की जरूरत नहीं है। मुद्रा लोन के ऊपर 12% से कम इंटरेस्ट रेट लोन पर रखा गया है। लोन को लेने के लिए कुछ निर्धारित डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करता हूं तो आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, पास्ट रिकॉर्ड में आपका कोई भी बैंक डिफॉल्ट हिस्ट्री न हो, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपके पास जैसे बिजली बिल हो गया या कोई और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आप इसमें शो कर सकते हैं। यह लोन स्पेशली बिजनेस को स्टार्टअप या अपना काम शुरू करने के लिए दिया जाता है, तो इसके लिए आपके पास बिजनेस डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए, जैसे कि आपके पास जो बिजनेस का जो स्थायी पता है कि आपने आपकी शॉप है, दुकान है या फिर आपने कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया है, तो उसका स्थायी पता क्या है, उसका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। 3 साल की आपके पास बैलेंस शीट होनी चाहिए आप अगर किशोर या तरुण मुद्रा लोन लेते हैं। और जो आपका IT रिटर्न है, या तो आपका जो व्यवसाय है या बिजनेस है उसका IT रिटर्न होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके खुद का अगर IT रिटर्न है वो भी आप यहां पर दे सकते हैं। और आपके पास 3 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। ये डॉक्यूमेंट है, यानी आपके इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट और जो आप बिजनेस या व्यवसाय कर रहे हैं उसके ये डॉक्यूमेंट जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपके पास कोई भी नियरेस्ट बैंक है, चाहे वो प्राइवेट बैंक है या गवर्नमेंट बैंक है या कॉरपोरेट बैंक है, उधर जाके आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी लॉकडाउन के दौरान लगभग 1500 करोड़ रुपए MSME लोन या मुद्रा लोन के लिए भारत सरकार ने आवंटित किए हैं और उसी राशि को आपको बिना किसी सिक्योरिटी को, बिना किसी कोलेटरल के ये राशि प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके अंदर आपको न कोई गारंटी चाहिए, न कोई सिक्योरिटी, मात्र आपको अपना अगर कोई व्यवसाय या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मात्र आप इस लोन को ले सकते हैं। कोई भी बैंक इस लोन को आपको देने से मना करता है तो डायरेक्टली MHA की वेबसाइट पर आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। साथ में मैं इधर आपको कस्टमर केयर के नंबर भी नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, उधर भी डायरेक्टली आप कंप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि स्पेशल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन के दौरान एक स्पेशल जो राशि है MSME लोन या मुद्रा लोन के लिए आवंटित की है और उसी धनराशि में से आपको ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप कोई अपना बिजनेस है या कोई स्टार्टअप अगर शुरू करना चाहते हैं तो आप प्लीज इस लोन को जरूर अवेल कीजिएगा, क्योंकि यह लोन छोटे कामकाज और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ही प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक को वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद।